26 मार्च को भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे जाम करने को लेकर पलवल पुलिस ने 16 नामजद सहित करीब 500 किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे को 4 घंटों तक जाम किया था, जिसके चलते पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत किसानों पर मामले दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि किसानों ने हाईवे पर आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करके जाम लगाया था, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहन फंसे रहे और आवागमन में यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि जाम में आर्मी की गाड़ियां व एम्बुलेंस भी फंस गई थीं। उसमें अभी मुकदमा दर्ज कर दिया 76 अंडर सेक्शन नेशनल हाईवे एक्ट 8B 148/86, 188, 283 और 353 IPC के तहत। किन किन लोगों के खिलाफ? इसमें 16 आदमी नामजद हैं और बाकी 450 से 500 आदमी अभी नामजद। कौन है, नाम बताएंगे उनके? क्या इसमें जो 16 ज्यादातर आदमी ये औरंगाबाद से है और एक आदमी जनोली का है, छोटा पहलवान करके, जो अपने आप को किसान नेता बता रहा था, जिसने एम्बुलेंस के साथ भी जाने से रोके और बदतमीजी की है। बाकी और लोग कौन है औरंगाबाद वाले? ये औरंगाबाद से ये सभी प्रमुख जो उसमें इसमें लगभग ये 13 आदमी है औरंगाबाद से। क्या क्या नाम है इनके? समुद्र स्वरूप प्रताप, महेंद्र गंगी, जयराम, रघुवीर, होशियार, जवाहर, मेघ सिंह, जीता, हरि सिंह, सोहनलाल, सुमेर सोहनलाल, बुद्धि रतनलाल, शिवराम कारे और नथी रामजीलाल, अतर सिंह, फतेह सिंह और रतन सिंह शिवलाल, रामवीर, रतिराम और जो लास्ट का है ये छोटा पहलवान गांव जनोली का है। तो इनमें से किसी को अरेस्ट भी किया है? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं किया, मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाने को लेकर आंदोलनकारी किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि देशव्यापी भारत बंद के दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप में नेशनल हाईवे को 4 घंटे के लिए जाम किया था और इस दौरान आपातकालीन वाहन जैसे आर्मी गाड़ी, स्कूल बस, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस व दमकल विभाग की गाड़ियों को तुरंत रास्ता दिया गया और उन्हें जाम में फंसने नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि सरकार पुलिस की आड़ लेकर किसानों पर केस दर्ज करके उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। सरकार का जो रवैया है ये बिल्कुल तानाशाहपूर्ण है। जो सांकेतिक प्रदर्शन कल किसानों ने किया था, रोड जाम किया था, ये भारत बंद का पहले से ही आह्वान था। पूरी पब्लिक को, भारतवासियों को पता था ये भारत बंद है और इस रोड जाम में किसी भी हमने जरूरी वाहन जैसे एम्बुलेंस है, स्कूल बस है या फौजी काफिला है, कल देखा गया था, हमने सबको रास्ता दिया था और सरकार ये किसानों को डराने के लिए इस तरह के मुकदमे बना रही है जो बिल्कुल तानाशाहपूर्ण है। और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, तो हमारा धरना बिल्कुल कायम रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, ये तो होते रहे। जिस तरह से होली का कार्यक्रम आज यहाँ आज, तो क्या किस तरह करेंगे? कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी, कृषि कानूनों की, कानून के बिलों की प्रतियां भी जलानी है। ये हमारा ब्रिज का क्षेत्र है, हमारे यहाँ पे जो होली का भारतवर्ष में रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो इसको हम अपनी ब्रज भूमि के सौगात के अनुसार जो हमारी परंपरा है, गानों से, चौपाई से, चौपी से, भजनों से, रसियाओं से जो मनाई जाएगी, नाच गानों से, पूर्ण तरीके से किसानों की होली है जो आंदोलन स्थल पे ही मनेगी। ये किसानों का बिल्कुल झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि किसानों ने किसी भी प्रकार का कोई शरारत नहीं की, बिल्कुल शांतिप्रिय धरना किया था। इसमें एम्बुलेंस व 5 ग्रेड पुलिस गाड़ी और फौजियों की गाड़ी जैसे स्कूल वाहन, इनको सबको रास्ता दिया गया है। अब वैसे कोई गंदगी फैलाने का काम नहीं किया, उसमें डस्टबिनों का प्रयोग किया गया है, किसी भी ड्राइवर को कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार फिर भी अपने झूठे मुकदमे लगाकर किसानों को डराने का काम कर रही है, इससे ताकि किसान पीछे हट जाए। लेकिन ये मेहनती व सक्षम किसान ये पीछे हटने वाले नहीं है, इसी प्रकार ये धरना चलता रहेगा। और यहाँ पे डले आज होली है, अपने घर जाने को भी किसान तैयार नहीं है, यहीं पे खट्टर व वो मोदी का पुतला जलाकर होली का दहन की जाएगी और रागनियों का प्रोग्राम बढ़ाया जाएगा और भी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने लगे हैं। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी? हाँ, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी, लेकिन इनको होली का दहन की जगह कृषि कानूनों को ही तो जलाया जाएगा आज, जबकि किसानों में और काफ़ी रोष बढ़ता जा रहा है जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। इससे ये जो गूंगी बहरी सरकार है,
ये किसानों को डराने का कार्य कर रही है, लेकिन इससे किसानों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। आगे भी डटे रहेंगे किसान? किसान लगातार डटे रहेंगे, चाहे इन पे और भी कितने मुकदमे झूठे लगाए, ये सरकार से डरने वाली नहीं है किसान इन बातों से। हालांकि पुलिस ने मामले तो सैकड़ों किसानों पर दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार से लड़ाई छिड़ गई है और अब ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार झुकेगी और किसानों की मांगें पूरी होंगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।